टी20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ और इंग्लैंड ट्रॉफी लेकर अपने घर भी चली गई, लेकिन पाकिस्तान अभी तक अपनी हार के सदमे से बाहर नहीं निकल पाया है। सदमा इतना गहरा है कि अब ट्विटर पर पूर्व क्रिकेटर अपनी भड़ास निकालते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर और भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के बीच ट्विटर वॉर पर जमकर चर्चा हो रही है। इस बीच पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भी मोहम्मद शमी के ट्वीट पर नाराजगी जताई। क्या है शमी अख्तर और अफरीदी के बीच चल रही ये ट्विटर वॉर, आइए बताते हैं। दरअसल मोहम्मद शमी और शोएब अख्तर के बीच सोशल मीडिया वॉर तब शुरू हुआ जब सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को करारी शिकस्त दी। भारत की हार के बाद शोएब अख्तर ने एक वीडियो में गेंदबाजों को निशाना बनाया और इस हार को शर्मनाक बता दिया। लेकिन जब पाकिस्तान को फाइनल मैच में इंग्लैंड ने धूल चटाई तो मोहम्मद शमी ने रिप्लाई करते हुए लिखा, सॉरी भाई, इसे कर्मा कहते हैं। शमी का ये ट्वीट शोएब अख्तर को ही नहीं बल्कि पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज शाहिद अफरीदी को भी चुभ गया। शाहिद अफरीदी ने इस ट्विटर वॉर को लेकर कहा, हम सभी क्रिकेटर्स हैं, हम रोल मॉडल्स हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये सब खत्म हो। हम लोग एक दूसरे के पड़ोसी हैं, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए कि लोगों के मन में नफरत फैले। यदि हम सब ही ऐसा करेंगे तो आम इंसान से क्या उम्मीद की जा सकती है। स्पोर्ट्स से हमारे रिलेशन बेहतर रहेंगे, इनके साथ हम खेलना चाहते हैं, हम इन्हें पाकिस्तान में देखना चाहते हैं। यदि आप रिटायर्ड प्लेयर हैं तो आपको ये सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप यदि वर्तमान खिलाड़ी हैं तो इस तरह की चीजें ना बोलें। मोहम्मद शमी की ट्वीट पर शोएब अख्तर ने हर्षा भोगले के ट्वीट का सहारा लिया, जिसमें हर्षा भोगले ने पाकिस्तान टीम की तारीफ की है। इसके अलावा गेंदबाजी को भी बेस्ट बता दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 137 रन के लक्ष्य को कुछ टीम ही उस तरह से डिफेंड कर सकती थी जैसा पाकिस्तान ने किया, बेस्ट बॉलिंग यूनिट। अख्तर ने इस ट्वीट का सहारा लेते हुए मोहम्मद शमी पर पलटवार किया। उन्होंने ये पोस्ट करते हुए लिखा है, आप इसे समझदार ट्वीट कह सकते हैं, पाकिस्तान अपनी हार के बाद तो पहले ही कर रहा था। ऐसे में उसके पूर्व क्रिकेटरों की तरफ से ट्विटर पर इस तरह के कमेंट्स उनके दर्द पर पक्की मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना ना भूलें, और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।